A cricketer catches a ball of mass 150 gram in 0.1 second. एक क्रिकेटर है, बॉल कैच कर रहा है जिसका मास 150 ग्राम. यहाँ पे देखो सबसे पहले ग्राम में दिया, इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे. मीन्स हम लोग क्या लिखेंगे, इससे मैं लिख लो 150 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 3 कर देंगे. 0.1 सेकंड में कैच कर रहा है, टाइम लिया गया इसका. मूविंग विद द स्पीड, बॉल की स्पीड कितनी 20 मीटर पर सेकंड, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. देन द एक्सपीरियंस फोर्स, फोर्स पूछा गया है. और यहाँ पे देखो शॉर्ट टाइम के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला, इम्पल्स का फॉर्मूला लगेगा. और इम्पल्स होता क्या है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है. किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है. इम्पल्स फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम लिखते हैं, एफ इनटू हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी. और चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, एम वी. निकालना यहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंस्ड फोर्स. तो फोर्स कितना लगेगा, एफ इक्वल हो जाएगा एम वी अपॉन डेल्टा टी. मास कितना आया था, 150 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 3. वेलोसिटी कितनी दी गई है, 20 दी गई है. और टाइम कितना लग रहा है, डेल्टा टी 0.1 सेकेंड. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 30 न्यूटन. द करेक्ट आंसर इज बी.